यह है हमारा ग्रह पृथ्वी, जो अंतरिक्ष से देखने पर एक ब्लू बॉल की तरह लगता है। कितना प्यारा और सुंदर है ना हमारा ग्रह। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है जो इतना सुंदर है और इस पर जीवन है, तो आपका जवाब होगा कि पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में है, जिस वजह से इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। यही कारण है कि हमारा ग्रह इतना सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है और अंतरिक्ष से एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी की सुंदरता के पीछे ज्वालामुखियों का हाथ है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? यही नहीं, अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी ना होते तो ना पृथ्वी पर जीवन होता, ना वर्षा चक्र होते, ना पृथ्वी पर समुद्र होते और ना ही पृथ्वी पर वायुमंडल होता। कुल मिलाकर बिना ज्वालामुखियों के हमारी पृथ्वी वीरान और बंजर ग्रह होती, फिर भले ही ये गोल्डीलॉक्स जोन में क्यों ना होती। तो आखिर ज्वालामुखी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्या संबंध है पृथ्वी पर मौजूद जीवन और ज्वालामुखियों का? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वोल्केनो के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? धधकता हुआ लावा और उससे निकलने वाली गैसें, राख का काला बादल या ज्वालामुखी के पास मौजूद गर्म पानी? वेल, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत ज्यादा गर्मी है और इसकी कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ पिघली हुई अवस्था में है, जिसे मैग्मा बोला जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर मूव करता है तो उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करने लगती हैं, जिस वजह से पृथ्वी की सतह पर हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट खिसकती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जबकि भारी प्लेट दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहां मौजूद हाई टेम्परेचर की वजह से उस प्लेट का मेटल और रॉक्स पिघलकर मैग्मा में तब्दील हो जाते हैं। हाई प्रेशर की वजह से मैग्मा हल्की प्लेट पर दबाव बनाता है और एक विस्फोट के रूप में पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। मेटल और रॉक्स जब तक पिघली हुई अवस्था में जमीन के अंदर होते हैं, तब तक उसे मैग्मा बोला जाता है, और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे लावा बोला जाता है। पृथ्वी के सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ों का निर्माण होने लगता है। जिस जगह पर पृथ्वी की सतह ठोस होती है और मैग्मा किसी तरह बाहर नहीं निकल पाता और ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो पाता, तो धरती की ऊपरी सतह कांपती है और भूकंपीय झटके महसूस होते हैं। अगर विस्फोट होता है तो मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और सतह पर आकर जम जाते हैं। आज हम पृथ्वी पर जो जमीन देखते हैं, उसमें 80% से ज्यादा ज्वालामुखियों का ही हाथ है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। आज पूरी पृथ्वी पर लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा है सुषुप्त या निंद्रित ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से शांत हैं और सोए हुए हैं, लेकिन इनके सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बड़े ही खतरनाक साबित होते हैं। लोग किसी ज्वालामुखी को शांत समझकर उसकी तलैटी में बस जाते हैं, और जब किसी दिन वो विशालकाय दैत्य जागता है तो धरती हिलने लगती है, भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है और विध्वंस लीला होने लगती है। उस विध्वंस लीला में आसपास के गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है जब शांत पड़े ज्वालामुखियों ने नगरों को ही निगल लिया। जापान का फ्यूजियामा, जो संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कहा जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है, लेकिन पता नहीं कि वो कब विध्वंस लीला शुरू कर दे। जावा और सुमात्रा के बीच एक ज्वालामुखी मौजूद है जिसका नाम है क्रैकाटोवा। ये ज्वालामुखी वर्षों से शांत पड़ा था, लेकिन 1883 में इसमें एक विस्फोट हुआ जिसने एकाएक वह प्रलय लाने वाला दृश्य उपस्थित किया जो किसी ने ना तो देखा था और ना ही कभी सुना था। वो विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज हजारों मीलों तक सुनाई पड़ी। आकाश में उससे इतनी धूल और राख फैली कि वो 3 सालों तक उड़ती रही। उस समय विस्फोट से इतनी तेज शॉक वेव पैदा हुई कि वे 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कराईं। उस विस्फोट में लगभग 36,000 लोग मारे गए और पूरा का पूरा आइलैंड नष्ट हो गया। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो युगों से शांत पड़े हैं और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो चुका है, और इनमें भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती। हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 26 सब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफी को निर्धारित करती हैं।
लेकिन क्या हो कि पृथ्वी पर कभी कोई ज्वालामुखी फटाई ना होता, तो उस केस में क्या हमारी पृथ्वी वैसी ही होती जैसी इसे आज हम देखते हैं? अगर पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी ना होता तो इस पर वायुमंडल भी ना होता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के शुरुआती दौर में इस पर ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे वोल्केनिक गैसें बाहर निकलने लगी, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बबल का निर्माण होने लगा, जिसमें पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा था। इसी वायुमंडल की वजह से आज हम श्वास ले पाते हैं। अगर ज्वालामुखी के फटने से गैसें ना निकलती तो इस पर वायुमंडल भी ना बन पाता और पृथ्वी के चारों ओर वैक्यूम होता। ये बिल्कुल वैसा ही होता जैसा चांद पर है। जैसा हम जानते हैं कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल ना होता तो वैक्यूम की वजह से हम किसी भी प्रकार की आवाज को नहीं सुन पाते। ज्वालामुखियों की वजह से ही पृथ्वी पर समुद्र बने। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी अपनी शेप ले रही थी। उस समय पृथ्वी आज की ब्लू बॉल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय ये बेहद गर्म और लाल थी और पृथ्वी का सारा पानी पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे कैद था। जब इस पर ज्वालामुखी फटे तो उनसे लावा के साथ गैसें और पानी की वाष्प भी निकली। वाष्प कंडेंसेशन की वजह से ठंडी होकर बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी। इस प्रक्रिया के सालों तक होने के बाद इस पर समुद्रों का निर्माण हुआ और लाल पृथ्वी ने ब्लू बॉल की शक्ल ले ली। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन भी नहीं पनप सकता था। ज्वालामुखियों की वजह से ही पृथ्वी पर लैंड मास आया, जिस पर आज हम रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ज्वालामुखी ना फटते तो पृथ्वी की जमीन उपजाऊ ना बन पाती। ज्वालामुखियों की वजह से पृथ्वी के गर्भ से वे खनिज बाहर निकल आए जिससे इसकी ऊपरी सतह उपजाऊ बन पाई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किसी वोल्केनो के पास हॉट वाटर में हुई थी। ज्वालामुखी के पास बैक्टीरिया के रूप में पनपे जीवन ने सालों तक इवॉल्व होते हुए जटिल रूप धारण किया, जिसे आज हम आधुनिक जीवन के रूप में देखते हैं। मतलब ज्वालामुखी ना होते तो ना पृथ्वी पर वायुमंडल होता, ना पानी होता और ना ही इस पर जीवन की शुरुआत होती। लेकिन अब क्या हो कि पृथ्वी पर मौजूद सारे ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाएं और कभी ना फटें, तो क्या इसका हमारी लाइफस्टाइल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि आज पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, वो करोड़ों साल पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट में से निकले हैं, जिसे पेंजिया बोला जाता है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा था। पृथ्वी के इस डायग्राम को देखिए। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कोर बोला जाता है। उसके ऊपर आउटर कोर है। उसके बाद हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स है। उसके बाद मैग्मा। यही मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद है ओशियनिक क्रस्ट और सबसे ऊपर है हमारे समुद्र और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करोड़ों साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया थी। पेंजिया रीजन छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटकर अलग अलग पृथ्वी के चारों ओर बिखर गया। इसका कारण था प्लेट टेक्टोनिक्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स टूटकर मूव करने लगे और करोड़ों सालों में पृथ्वी ने आज की ज्योग्राफी प्राप्त की। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आज भी जारी है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इस वजह से बदलाव हमें कम समय में दिखाई नहीं देते। जब प्लेट्स मूव करते हैं तो उनकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, पहाड़ों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। और चूंकि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट अभी भी जारी है, इस वजह से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये एक स्लो प्रोसेस है, जिससे हम इसे कम समय में अनुभव नहीं कर पाते। वैसे ये घटनाएं पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इनकी वजह से पृथ्वी की क्रस्ट रिन्यू होती रहती है। हम बात कर रहे थे कि क्या हो अगर पृथ्वी पर आज के बाद कोई भी ज्वालामुखी ना फटे। वेल, अगर ऐसा हुआ तो बिना वोल्केनिक एक्टिविटी के पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा। चूंकि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अगर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी की क्रस्ट उस प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम नहीं रहेगी, जिस वजह से पृथ्वी में विस्फोट हो जाएगा और पृथ्वी छोटे छोटे भागों में टूटकर बिखर जाएगी। मतलब ज्वालामुखी आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की पहले थे। इतना ही नहीं, ज्वालामुखियों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर भी ठंडा रहता है। अब आप कहोगे कि वो कैसे? जब ज्वालामुखी से इरप्शन होता है तो उससे सल्फर गैस बाहर निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के साथ कंबाइन होकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है। आज हम ज्वालामुखियों को बड़े बड़े पावर प्लांट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं।
ज्वालामुखी के जरिए पृथ्वी की गहराई से जो हीट निकलती है उससे पावर प्लांट्स में पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ज्वालामुखियों की वजह से ही आज हम ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर पाते हैं, क्योंकि वोल्केनिक मटेरियल से ही सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अंत में, वोल्केनो हमारे लिए इतने बेकार नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि आज हमारी पृथ्वी जैसी भी है वो ज्वालामुखियों की वजह से ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन